बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने इनकम इफेक्ट पे बात की थी। इनकम इफेक्ट हमें एक्सप्लेन करता है जनाब के किसी भी गुड्स की डिमांड में इजाफा या कमी कैसे आती है इनकम तब्दील होने से, जबकि प्राइसेस ऑफ गुड एक्स वाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा होगा इनकम के इंक्रीज होने से, और कमी आएगी इनकम के डिक्रीज होने से। मतलब हम आम तौर पे ये मानते हैं कि डिमांड का इनकम के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यस और नो, रिस्पांस दीजिए बेटा सब। ऐसा ही है, और वो डायरेक्ट रिलेशनशिप हमने कल आपके सामने ड्रॉ करके बताया। ऐसा ही है। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसमें जो इनकम इफेक्ट था इसको हम नाम देंगे और बोलेंगे ये इनकम इफेक्ट जो है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्या है ये जो इनकम इफेक्ट है, ये क्या है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। तो यहां तक हम बात कर चुके थे आपसे। तो आज हमने इनकम इफेक्ट की दो टाइप से बात करनी है, ठीक है। एक पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और दूसरा क्या है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। शुरू करें बात को बेटा, तैयार हैं सब लोग? तो कंपैरिजन करने के लिए मैं आपके सामने दो कॉलम बना देता हूं। हालांकि कल जो डायग्राम बनाया था वो ऑलरेडी क्या था, वही पॉजिटिव इनकम इफेक्ट था। सही है जी। अच्छा जी, और जो आज डायग्राम बना रहा हूं वो दोबारा से बना रहा हूं ताकि कंपैरिजन हो जाए दोनों का। तो एक तरफ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, और एक तरफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, गुड एक्स उसको नाम देते हैं आप किस चीज का, पेट्रोल का। गुड वाई इसको नाम दे दें आप सीएनजी का। तो एक तरफ तो पेट्रोल और सीएनजी क्या हो गया बेटा, दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो गया। यस और नो, क्या ख्याल है? और अक्सर बेशतर लोग जो हैं अगर वो कार चला रहे होते हैं तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यस और नो, तो हम चाहते हैं कि हम इन एग्जाम्पल्स को जरा प्रैक्टिकल बना के आपके सामने प्रेजेंट करें ताकि ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठे। क्या लोग इन दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहे होते कि कुछ हद तक गाड़ी पेट्रोल भी चल रही होती है और कुछ हद तक गाड़ी सीएनजी पे भी चल रही होती है? या हफ्ते में अगर 5 दिन सीएनजी अवेलेबल है और 2 दिन अवेलेबल नहीं है तो पेट्रोल पे भी गाड़ी चलानी पड़ जाती है और सीएनजी भी चलानी पड़ जाती है। सही है, यस और नो? अच्छा, अब जनाब अब सीएनजी सस्ती है पेट्रोल के मुकाबले में, खैर इतना कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको इसका बजट आपके सामने बजट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। उससे पहले पेट्रोल भी सस्ता ही हो गया है, सस्ता हो गया फिर दोबारा महंगा हो गया। ठीक है जी,
तो बजट लाइन ए भी है, यस और नो? अगर बजट लाइन ए बी जो है वो शिफ्ट हो जाती है डैश बी डैश पर, तो इसका आप क्या मतलब लेंगे? इसका आप क्या मतलब लेंगे? इसका मतलब लेंगे जनाब के कंज्यूमर की एबिलिटी बढ़ गई है, यस और नो? यानी कंज्यूमर की इनकम में क्या हो गया? इजाफा हो गया। क्या ख्याल है? जवाब ऐसे ही। अच्छा जी, तो हमने एक पॉइंट ले लिया जहां से हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। IC1 प्राइस की भी बात नहीं हो रही ना यार, जो बात हो रही है उस पर फोकस कीजिए प्लीज। अगर आप डाइवर्ट हुए नुकसान आपको होगा, मैं खुद सारी बातें कर लूंगा, आप टेंशन ना लें इस बात। जो बात मैं कर रहा हूं वो करें सिर्फ। ये IC2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब बजट लाइन ए बी से ए बी डैश पर शिफ्ट हो गई तो IC2 से क्या हो गया? बजट लाइन टेंजेंट हो गया और कंज्यूमर की गुड एक्स और वाय दोनों को खरीदने की विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या हो गया? इजाफा हो गया। अब जवाब दीजिए। अगर हम लेते हैं परपेंडिकुलर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वी फाइंड व्हाट? वी फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, यस और नो? बेटा रिस्पॉन्स चाहिए होगा आपसे। X1, X2, Y1, Y2, इक्विलिब्रियम E डैश, ठीक है जी? और आप अगर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन ड्रा हो जाएगी। जो कि एक ट्रेंड शो करेगी कि दोनों गुड्स की क्वांटिटी में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव स्लोप लाइन बन जाएगी। उसको तो क्या बोलेंगे? ICC इनकम कंजम्पशन कर्व, यस और नो? तो हम इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं? हम इस डायग्राम में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट देख पा रहे हैं कि मतलब जब इनकम बढ़ रही है तो किसी भी गुड की डिमांड में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, चाहे वो गुड एक्स हो चाहे वो गुड वाई हो। और अगर इसको हम ए डैश से बी डैश पे वापस लाते हैं नीचे, तो फिर इनकम कम होने से गुड एक्स और वाई दोनों की डिमांड में क्या आ रही है? कम कमी आ रही है। While price of good x y remains unchanged, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सब लोग? ठीक है, यहां तक क्लियर सब लोग? जवाब दें। अच्छा, अब समझना है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो पहले तो समझा दें आपको वर्बली नेगेटिव इनकम इफेक्ट, एक सवाल का जवाब दें। आपका अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो क्या आप पहले से ज्यादा क्यू मोबाइल खरीदने के काबिल नहीं हो गए? लेकिन क्या आप पहले से ज्यादा क्यू मोबाइल खरीदना चाहेंगे?
विलिंगनेस का बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बाज दफा इनकम बढ़ने से एबिलिटी तो बढ़ जाती है लेकिन उस चीज को खरीदने की विलिंगनेस कम हो जाती है। अगर आपका इनकम लेवल लो होता तो आप क्यों मोबाइल से गुजारा जरूर कर लेते हैं, लेकिन अब आपका इनकम लेवल हाई हो गया है, स्टैंडर्ड आपके हाई हो गए, मिजाज आपके कहीं और पहुंच गए, तो फिर अब क्या हुआ? अब आपके लिए क्यों मोबाइल जो है कि इन्फीरियर चीज हो गई। इन्फीरियर याद है कुछ बताया था, इन्फीरियर गुड्स, ऐसी कोई बात हुई थी हमारी? सुपीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, तो ये मैंने गुड्स का डिस्कशन जो है अभी भी नहीं किया हुआ, इसलिए कि उस डिस्कशन को समझने के लिए कुछ हमें पॉइंट्स चाहिए, याद है ना बेटा? इन्फीरियर, तो इन्फीरियर गुड की डेफिनेशन यही होती है बेटा कि वो गुड्स जब आपका इनकम लेवल बढ़े तो आप उनकी डिमांड को बजाय बढ़ाने के उल्टा कम कर। क्यों? 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 क्योंकि इनकम बढ़ने के बाद आपकी एबिलिटी तो बढ़ गई है लेकिन आपकी उस चीज को खरीदने की विलिंगनेस जो थी वो क्या हो गई? कम हो गई। क्या ख्याल है बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। अब इस चीज को हमें दिखाना पड़ेगा किस पर? इंडिफरेंस कर्व पर। तो इस चीज को दिखाने के लिए सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी। देखो जो हमने पहले लेफ्ट पे डायग्राम बनाया ना, उसमें हमारी अजम्पशन क्या थी? हमने दोनों तरफ नॉर्मल गुड्स रखी और नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब जिनका डिमांड के साथ, जिनकी डिमांड का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये डेफिनेशन है, मतलब पहचान ही यही है कि वो गुड्स जिनकी डिमांड को हम इंक्रीज करें इनकम बढ़ने के साथ, डिक्रीज करें इनकम कम होने के बाद, वो गुड्स नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं। लेकिन ये अभी कंप्लीट डेफिनेशन ही, इसमें एक पॉइंट और ऐड होगा, वो आगे जाके ऐड करता हूं मैं इसके अंदर। तो मैं इन गुड्स की डेफिनेशन को कंप्लीट करूंगा, अभी मैंने कंप्लीट नहीं की। तो यकीन करें कि अगर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ये गुड्स क्या है, तो ये इनकी डेफिनेशन बिहेवियर पर डिपेंड करती है, और जब तक आप वो बिहेवियर सीख ना जाए आप इनकी डेफिनेशन सीख नहीं सकते। तो जो भी नॉर्मल गुड की डेफिनेशन है वो कंज्यूमर बिहेवियर पे डिपेंड करती है, जो भी इंफीरियर गुड की डेफिनेशन है वो भी कंज्यूमर बिहेवियर पे डिपेंड करती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मैंने दोनों गुड्स को क्या अज्यूम किया? नॉर्मल गुड्स। यानी नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन यही हुई, डेफिनेशन का एक हिस्सा यही हुआ कि जब इनकम लेवल बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है बेटा? इजाफा होता है। कैसे? उसका डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होने से। यस और जब भी इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो मैंने एक्स और वाई दोनों को नॉर्मल दिखाया है ताकि दोनों पर इनकम इफेक्ट क्या दिखाई दे? पॉजिटिव, कि इनकम बढ़ने से दोनों गुड एक्स और वाई की डिमांड में इजाफा हो रहा है, और इनकम कम होने से दोनों गुड एक्स और वाई की डिमांड में क्या आ रही है? कमी आ रही है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा आप सबको? अब जब हम बात करते हैं बेटा किस चीज की? नेगेटिव इनकम इफेक्ट की। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाने के लिए हमें करना क्या होगा? नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाने के लिए हमें यह करना होगा कि हमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाने के लिए हमें करना होगा, एक गुड रखनी होगी हमने नॉर्मल और एक रखनी होगी इनफीरियर। समझे बात को? ताकि हमें क्लियर दिख सके कि एक का इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है और दूसरे का इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव। अगर हमने दोनों गुड्स नेगेटिव इनफीरियर रख दिए ना तो हमें इनकम इफेक्ट समझ नहीं आएगा। तो एक गुड रखनी है आपने इनफीरियर और एक रखनी है नॉर्मल, ऐसा ही है।
चलिए तो जरा इसकी मिसालें हम ले लेते हैं। तो वही मिसाल तो मैं आपके सामने देना चाहूंगा आपकी लाइफ में से, वही ताकि आपको ये बातें समझ लगे कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई हम एलियन सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे। बाय द वे मसला यही है सारा का सारा कि किताब जिस तरह बातें करती है वो बातें फिर क्या हो जाती हैं, बाउंसर पड़ जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा एक मिसाल तो हम लेते हैं, देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई के लिए गांव से शहर की तरफ आते हैं, वो अक्सर बेशतर बैचलर लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो वो होता है सुबह का टाइम होता है, क्लासेस होती हैं, जल्दी जल्दी जाना होता है, जल्दी भी होती है, कुछ क्या कहते हैं माली हालत भी खराब होते हैं, बस गुजारा करना होता है इंसान को। तो बैचलर खासतौर पर वो स्टूडेंट जो बैचलर लाइफ गुजार रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुबह रोजाना नाश्ता एक चाय पापे से नाश्ता कर लिया। अब जिंदगी गुजर रही है चाय पापे के जरिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन दिल में एक हसरत तो पैदा होती है कि वो भी दिन आएंगे जब जेब में इनकम लेवल ज्यादा होगा। तो बताइए जब हालात अच्छे होंगे तो बंदा इनकम बढ़ने के बाद ज्यादा चाय पापे खाएगा या चाय पापों से डाइवर्ट हो जाएगा, कहीं पर कोई अच्छा नाश्ता करेगा, वो बेचारे की चाय पापे खा खा के मार्जिनल यूटिलिटी तो पहले डिमिनिश हो चुकी होगी। Yes or no? तो वो तो वैसे ही इनकम, या तो ऐसा बंदा इनकम बढ़ने का इंतजार करता है या किसी की दावत का इंतजार करता है कि भाई मौका मिले, ऐसा ही है ना। तो बहरहाल तो अब जरा सोचिए कि यार एक बंदा हफ्ते में 6 दिन चाय पापे के गुजारा कर रहा है और हफ्ते में कुछ पैसे बचाकर इतवार वाले दिन वो हलवा पूरी से नाश्ता कर लेता है। तो हफ्ते में 6 दिन उसका गुजारा चल रहा है चाय पापों से, और एक दिन बेचारा क्या करता है, हलवा पूरी खा लेता है। अब आप मुझे बताइए अगर आज इस बच्चे की इनकम बढ़ा दी जाए, इसकी पॉकेट मनी बढ़ा दी जाए, इसके घर वाले बोले बेटा क्यों इतना कमजोर हो गया है, ये लो बेटा तुम्हारी पॉकेट मनी डबल करते हैं, तब तो उससे क्या होगा। हफ्ते में अब चाय पापों के दिन कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, आप मुझे बताइए, बिहेवियर आप बताइए अपने ऊपर रख के। और हफ्ते में अंडा ब्रेड और क्या कहते हैं हलवा पूरी के दिन क्या हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम बढ़ने पर उसने एक प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर दिया और इनकम बढ़ने पर दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा दिया। यस और नो? तो इनकम का एक प्रोडक्ट के साथ जो बिहेवियर दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, इनकम का एक प्रोडक्ट के साथ कौन सा बिहेवियर दिखाई दिया, इनवर्स दिखाई दिया, ठीक है। और इनकम के साथ दूसरा बिहेवियर क्या दिखाई दिया, पॉजिटिव। तो मतलब जो नॉर्मल गुड थी उस नॉर्मल गुड के साथ जो बिहेवियर था वो क्या था, वो डायरेक्ट बिहेवियर था, वो पॉजिटिव बिहेवियर था, ऐसा ही है ना। और जो इंफीरियर गुड थी, इंफीरियर मतलब एक चीज है जिसको आज आप इस्तेमाल कर रहे हो और वो इस्तेमाल करके आप बोल रहे हो जैसी मेरी इनकम बढ़े तो मैं इससे भागूं, इस चीज को छोड़ूं, इससे कोई बेहतर चीज इस्तेमाल करूं। अब इसकी एक और मिसाल आप लीजिए, एक और मिसाल आप, मैं इनफीरियर गुड्स की मिसालें और देता हूं, आपकी किताब ने ये वाली मिसाल आपकी किताब ने दी है, लेकिन मिसालें हम लेंगे बिहेवियर के जरिए कि अगर वो मिसाल बिहेवियर पे फिट होती तो ऐसा ही हो। देखिए आप जो हैं वो स्टूडेंट हैं और आप शहर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए आपके पास अपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, अपनी कोई गाड़ी नहीं है, अपना कोई व्हीकल नहीं, ना बाइक है ना कार है, ठीक है ना। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गुजारा करेंगे, रक्षा आपको महंगा पड़ता है, तो क्या करेंगे, वो सुजुकी चलती है, वो बसेस चलती हैं, वो चिंची चलती है, आप जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, यस और नो?
लेकिन दिल में ख्वाहिश तो होगी ना, क्या ख्वाहिश होगी? कि इनकम लेवल बढ़े, क्या करूं, अपनी गाड़ी लूं। तो मतलब जिस दिन इनकम लेवल बढ़ा तो उस दिन क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने की डिमांड में इजाफा होगा या कमी आएगी? कमी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों के धक्के खाना या वो छोटी छोटी सुजुकी के अंदर बैठ जाना जहां पे स्पेस भी सही तरह मैनेज ना हो, सफर करना मुश्किल, तो आप वहां पर बैठते भी सोचते हो कि काश कुछ और रिसोर्सेज होते तो आपको ये धक्के ना खाने पड़ते। सोन वैसे तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन एक मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, दुनियावी बातें कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि यार अगर इनकम होती तो मैं अपनी मेरी अपनी बाइक होती, कम से कम अपनी बाइक तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेता, या इनकम लेवल अच्छा होता तो मैं ये बसेस इस्तेमाल नहीं करता, रक्षा टैक्सी इस्तेमाल कर लेता। करीम वाले को बुलवा लेता। सो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप इनकम बढ़ते ही यहां से भागने के लिए क्या हो, तैयार हो। आप इनकम बढ़ते ही यहां से भागने के लिए तैयार हो, आप इस प्रोडक्ट से भागने के लिए तैयार हो। आप बोलते हो भाई जैसे इनकम बढ़ी मैं भागूंगा यहां से, इसकी इसकी डिमांड को क्या कर दो, कम कर दो, बस इनकम बढ़ने का इंतजार है। तो इनकम बढ़ते ही आप क्यों मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार हो, इनकम बढ़ते ही आप चाय पापे का नाश्ता कम करने के लिए तैयार हो, इनकम बढ़ते ही आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ भागने के लिए तैयार हो। चले और चौथी एग्जाम्पल हम डायग्राम पे लेते हैं, मतलब मैंने तीन एग्जाम्पल दे दी और चौथी डायग्राम एग्जाम्पल में डायग्राम पर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक्स एक्सिस पर मैं ड्रॉ करता हूं गुड एक्स, और गुड एक्स को अब मैं नाम दे रहा हूं मीट, गोश्त, गुड वाई को नाम दे रहा हूं वेजिटेबल्स, ठीक है जी। तो मीट और वेजिटेबल्स, यस और नो? अब आप बताइए कि इनकम लेवल कम होगी तो आपका गुजारा ज्यादा किस पर हो रहा होगा, जब इनकम लेवल कम होगा तो आपका गुजारा किस पर हो रहा होगा, वेजिटेबल्स पर हो रहा होगा ना बेटा आपका गुजारा, ऐसे ही ना, ऐसे ही। दाल सब्जियों पर गुजारा हो रहा होगा, यस और नो? दाल सब्जियों पे गुजारा हो रहा होगा, तो इनकम लेवल कम है दाल सब्जियों पे गुजारा हो रहा था, मतलब बताइए इनकम बढ़ने के बाद दाल सब्जियों से थोड़ा दूर भागेंगे, दाल सब्जियां खाना बढ़ा देंगे या कम कर देंगे इनकम लेवल बढ़ने के बाद? ये मत बोलिएगा भाई जरा के डॉक्टर्स कहते हैं दाल सब्जियां खाएं, ये वाली बात है, फिर अदर थिंग्स में आ जाएंगी ना, वो फिर कंज्यूमर चॉइसेस प्रेफरेंसेस अदर थिंग्स रिमेनिंग व्हाट कांस्टेंट। तो अभी सिर्फ एक वक्त में एक इफेक्ट समझा जाएगा, दूसरे इफेक्ट शामिल नहीं किए जाएंगे बेटा। हम जब इनकम की बात करें तो हमने बाकी तमाम चीजों को कांस्टेंट कर लिया, यहाँ तक कि हमने प्राइसेस को भी कांस्टेंट रखा हुआ है। तो अभी एक बीच में सवाल आया था सेविंग करने का, तो हमने कहा वो भी अजम्पशन है कि हम सेविंग नहीं कर रहे, बात समझ नहीं है हमें खाली।
फिर वो तो बंदे का अपना चॉइस है ना कि वो पॉकेट मनी बढ़ा के अपना खर्चा उतना ही रखता है और क्या करता है अपनी बाकी अमाउंट सेव करता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इनकम बढ़ेगी, थोड़ा खर्चा जरूर बढ़ेगा। इंसान की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश क्या करेगी, उसको थोड़ा खर्चा बढ़ाने पर मजबूर कर देगी, भले उसका कंजूसी लेवल कितना ही आला क्यों ना। ठीक है, तो बहरहाल तो हमारी अजम्पशंस पहले थी कि इक्विलिब्रियम में हमने ये अज्यूम किया था, क्योंकि इक्विलिब्रियम ही कंटिन्यू है ना। तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम पढ़कर आए थे, वहां पर एक अजम्पशन ली थी कि कंज्यूमर सेविंग नहीं करेगा, वो अपनी पूरी इनकम क्या करेगा। जब आप बजट लाइन बना रहे हो तो बजट लाइन बनाते वक्त आप ये ऑलरेडी सीख चुके हो कि यार आप अपनी पूरी इनकम क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो। जब आप ये सीख चुके हो तो भाई ये सवाल कैसे बनता है कि भाई सेविंग कर लेगा। बजट लाइन में आपने इनकम की मुकम्मल एलोकेशन दिखाई है या नहीं दिखाई? दिखाई, चलेंगे ओके। तो अब जरा देखिए, अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ना, जरा क्या कर रहा हूं थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का बनाऊंगा। देख पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं? यानी ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ प्राइस वेजिटेबल सस्ता है और मीट महंगा है, तो अगर अपनी सारी इनकम किस पे खर्च कर दी जाए, वेजिटेबल्स पे, तो उसकी ज्यादा क्वांटिटी आएगी, और अगर अपनी सारी इनकम मीट पे खर्च कर दी जाए तो उसकी कम क्वांटिटी आएगी। जवाब दे बेटा सपनों। अब मुझे पहले इक्विलिब्रियम दिखाना है, जब मेरी इनकम लो है तो मुझे इक्विलिब्रियम इस तरह दिखाना है जनाब के आप ये देख पाए कि भाई आप खरीद रहे हो ज्यादा क्या वेजिटेबल्स और कम खरीद रहे हो मीट, क्योंकि आपका इनकम लेवल कम है। तो जिस पॉइंट को मैंने बतौर इक्विलिब्रियम चूज किया है, IC1। अब अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट के तौर पर लेता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वांटिटी दिखाई मैंने किसकी, मीट की। ये क्वांटिटी दिखाई मैंने किसकी, वेजिटेबल्स। क्या मेरी बात समझ में आती है सबको बेटा? ये हो गया बेटा X1 और ये हो गया Y1 और ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है ओके। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें, अब क्या हो रहा है, जब इनकम लेवल बढ़ रहा है तो बजट लाइन ए बी से शिफ्ट हो रही है ए डैश बी डैश पर। तो अब अगर आपके लिए वेजिटेबल्स इंफीरियर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वेजिटेबल्स को कम यूज करोगे और इनकम बढ़ने पर आप क्या करोगे, आप दो तरीकों से अपनी मीट की क्वांटिटी को बढ़ाओगे। दो तरीकों से मतलब कैसे कैसे? एक तो नंबर वन, इनकम बढ़ने की वजह से आप पहले से ज्यादा मीट खरीदोगे, और बल्कि आप कुछ वेजिटेबल्स कम करके रिड्यूस करके भी मीट को ज्यादा खरीदना शुरू कर दो। यानी अगर आप पहले दिन पहले हफ्ते में
6 दिन सब्जी दाल सब्जी पे गुजारा करते थे और 1 दिन गोश्त पर। तो अब इनकम बढ़ने के बाद क्या हो गया, 3 दिन गोश्त पर गुजारा कर लिया, 4 दिन दाल सब्जी पर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सब्जी की डिमांड में क्या आ गई, कमी आ गई। तो एक तो आप गोश्त खरीदने के काबिल हुए कैसे, इनकम बढ़ने की वजह से। दूसरा, जो सब्जी आपने कम की है उससे भी तो आपके पैसे बचे ना, वो पैसे भी आपने लगा दिए कहां पर, गोश्त पर। यस और नो? तो अब आप देखो जरा इस चीज को समझो। तो अब अगला आप इंडिफरेंस का वैसे बनाओगे ताकि बाकायदा तौर पे दिखे कि आप क्या कर रहे हो, ये आपके सामने मैं यहां इक्विलिब्रियम ड्रॉ करने जा रहा हूं। और मैंने यहां से लिया परपेंडिकुलर, जवाब। इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गए आप x1 से कहां पर, x2 पर, और ये आ गया y1 से कहां पर, y2 पर। तो यहां क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आ गई, कमी आ गई, और यहां क्वांटिटी डिमांड में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो जो नए इक्विलिब्रियम पर आप गुड एक्स और वाई की क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वो क्वांटिटी पहले से ज्यादा है, लेकिन इन टर्म्स वाई वो क्वांटिटी पहले से क्या है, कम है। तो हम बोलेंगे गुड वाई के लिए यानी वेजिटेबल्स के लिए इनकम इफेक्ट क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, और मीट के लिए इनकम इफेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यस और नो, जवाब दे। अब इसका रिवर्स भी सोचे ना, अगर आप ए डैश बी डैश पे थे और आप ए डैश बी डैश से कहां आ रहे हैं, ए बी पर, तो आपकी इनकम में क्या ही कमी आई। जब आपकी इनकम कम हो गई तो आपने वेजिटेबल्स खाना ज्यादा शुरू कर दी, गोश्त को कम कर दिया, नॉट पॉजिटिव, तब भी नेगेटिव है भाई, यही तो गलत सोच है ना, तब भी नेगेटिव है ना। इनकम कम हुई तो वेजिटेबल्स की डिमांड में इजाफा हो, तो रिलेशनशिप तो इनवर्स रहा ना बेटा, गलती कर गए ना एग्जामिनर, ये तो घुमाता है तुम्हें। वेजिटेबल्स का तो इनकम इफेक्ट है ही नेगेटिव ना, इनकम बढ़ रही है तो वेजिटेबल्स की डिमांड में कमी आ रही है, और इनकम कम हो रही है तो वेजिटेबल्स की डिमांड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, यही तो घुमा दिया एग्जाम, तो रिलेशनशिप तो इनवर्स ही रहा ना बेटा, इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव रहा, पॉजिटिव कहां रहा, पॉजिटिव तो रहा किसके लिए, मीट के लिए, कि जब इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, जब इनकम हुई तो डिमांड कम हो गई। ये छोटे छोटे पॉइंट है जहां पर हम जानते बूझते हमें वो पॉइंट्स पता भी होते हैं फिर भी हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है, इनकम के साथ, इनकम इंफीरियर गुड की डिमांड का इनकम के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और नॉर्मल गुड की डिमांड का, नॉर्मल गुड की डिमांड का जो है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसलिए हमने कहा वेजिटेबल्स का इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम कम हो, और मीट का, चाहे वो मटन हो चिकन हो कोई भी बात कर दें आप, उनका इनकम इफेक्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव। जवाब दें यस और नो, कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग, ठीक है। अब एक है अंडे वाला बर्गर, है ना, एक है अंडे वाला बर्गर, वही अंडे वाला बर्गर आप खाएं जाके मैकडोनल्ड पर, तो मैक मफिन के नाम से मिल जाएगा आपको, तो मैक मफिन कुछ भी नहीं है, है अंडे वाला बर्गर, सही है, क्या करें बताइए। अब आपको मैकडोनल्ड में बैठ के अंडे वाला बर्गर खाना है या बाहर गली मोहल्ले में अंडे वाला बर्गर खाना है, अप टू यू। लेकिन मैकडोनल्ड का अंडे वाला बर्गर सिर्फ नाश्ते में अवेलेबल है,
वरना हमारी आवाम जो है वो दोपहर में और रात में भी क्या करेगी, अंडे वाला बर्गर खाएगी मैकडोनल्ड जाकर, इससे मैकडोनल्ड की बाकी प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचेगा। तो मैकडोनल्ड ने ये प्रोडक्ट जो है नाश्ते में लॉन्च किया बस खाली। सही है बताइए कहाँ कहाँ चलना है बेटा खाने के लिए, गली में गली मोहल्ले में? देखो बेटा जो गली मोहल्ले वाला होता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि उसमें बनाने वाले का खून पसीना शामिल होता है, उस जैसा फ्लेवर जो है ना वो आप कहीं ला ही नहीं सकते बेटा। खून पसीना मतलब मेहनत, पसीना मतलब जो मेहनत करने से बहता है पसीना, ठीक है। महावरतन बोला है खून पसीना, बेटा तुम सीरियस हो गए? ठीक है हाँ बेटा बात समझ में आई, नेगेटिव इनकम इफेक्ट समझ में आ गया बेटा? जवाब दीजिए। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट समझने के लिए एक गुड रखनी है कौन सी, नॉर्मल, और एक रखनी है कौन सी, इंफीरियर। अब आप कहीं भी रख सकते हैं, मतलब आप वाई पे नॉर्मल रखें तो एक्स पे इन्फीरियर रख लें, एक्स पे नॉर्मल रखें तो वाई पे इन्फीरियर रखें। तो मैंने डायग्राम बनाया है, एक्स पे नॉर्मल रखा है, वाई पर इन्फीरियर रखा है। अब एक काम करेंगे आप, इस डायग्राम को दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे, नॉर्मल को वाई पे रखें और इन्फीरियर को एक्स पे रख के देखें, देखते हैं आप में से कितने लोग डायग्राम बना पाते हैं। ये आपका टास्क है, ये आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। यस और नो? तो ये आपके सामने बेटा आ गया है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अच्छा जी अब जरा देख लें भाई, पॉजिटिव को भी समझ लें और नेगेटिव को भी समझ लें। क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको ये, अब यहां से कॉपी कर लेंगे इसको। व्हेन डिमांड फॉर अ गुड वेरीज डायरेक्टली, कहां पढ़ रहा हूं मैं, व्हेन डिमांड फॉर अ गुड वेरीज डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स इनकम, दैट इज कंज्यूमर बायज मोर ऑफ गुड देन बिफोर व्हेन इनकम राइजेस एंड लेस देन बिफोर व्हेन इनकम फॉल्स। अगर इनकम बढ़ने से उस प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा होता है वो उसको पहले से ज्यादा खरीदता है, और इनकम कम होने पर वो उसको पहले से कम खरीदता है, तो मतलब इनकम इफेक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। द इनकम इफेक्ट ऑन द नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव, और नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जवाब देंगे, इफ बोथ ऑफ द गुड्स आर नॉर्मल, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो गुड्स रखी हैं दोनों क्या हैं, नॉर्मल हैं, तो आईसीसी मूव्स लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। तो आईसीसी जो है वो लेफ्ट से राइट पर अपवर्ड मूव होगा, उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी वो ये शो कर रहा होगा कि दोनों गुड्स की क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। मूव्स लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज इट हैज पॉजिटिव स्लोप। हाँ जी बोलिए, ये रहा ना, ये रहा आपके सामने। ठीक है तो ये आपके सामने जो है वो इसका स्लोप पॉजिटिव है, वो बजट लाइन हट गई है जरा यहां से, ये रहा। ठीक है अब एक काम करते हैं, यहां पर भी आईसीसी बना देते हैं, आईसीसी यहां बनाएंगे तो थोड़ा मुख्तलिफ बनेगा।
यहाँ पर आपको आईसीसी जो है वो ई से ई तक उसका स्लोप, जो ई से ई डैश तक का जो स्लोप है ना उसको आप, वो आपको नेगेटिव दिख रहा होगा। नेगेटिव मतलब एक गुट की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे गुट की क्वांटिटी में क्या आ रही है, कमी आ रही है। यस और रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। आप इस चीज को भी देख लीजिए वहां पर क्या लिखा हुआ मिल रहा है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट पढ़ने जरा, इसको भी क्या लिखा हुआ है। द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव व्हेन डिमांड फॉर अ गुड वेरीज इनवर्सली विद कंज्यूमर्स इनकम, दैट इज व्हेन हिज इनकम फॉल्स ही बायस अ गुड मोर देन बिफोर, एंड व्हेन हिज इनकम राइजेस ही बायस लेस देन बिफोर। यानी जब उसकी इनकम कम होती है तो फिर वो इंफीरियर गुड्स को ज्यादा खरीदता है, और जब उसकी इनकम बढ़ती है तो फिर वो इंफीरियर गुड्स से अपना मुंह फेर लेता है, अपना मुंह फेर लेता है। ये अल्फाज बड़े फिट होते हैं, ये इंसान का बिहेवियर है। अच्छा जी, सच गुड्स आर लेबल्ड एज इंफीरियर गुड्स इन इकोनॉमिक्स। इंफीरियर गुड्स आर नॉर्मली वॉट चीपर, इन एक्सपेंसिव, सस्ती होती है। इट मस्ट बी नोटेड दैट वन गुड मे बी इंफीरियर फॉर अ पर्सन एंड नॉर्मल फॉर अनदर पर्सन एट द सेम टाइम। हो सकता है बेटा ये मुमकिन है कि एक चीज मेरे लिए जो हो क्या हो नॉर्मल हो, आप लोगों के लिए इन्फीरियर हो। क्या बात है आपकी भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस पर हम एग्जाम्पल्स बहुत कम फिट कर सकते हैं, बिल्कुल इनकम के फर्क से, इनकम के फर्क से, टेस्ट, फैशन, मतलब मुख्तलिफ चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। अच्छा जी, इसका मतलब ये कि हम एग्जाम्पल इस पे फिट कर सकते हैं, कॉमन एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर आपका बिहेवियर आपको बताएगा कि ना आप ये गुड जो है ये आपके लिए नॉर्मल है या इन्फीरियर। उस बिहेवियर से आप पहचानेंगे कि आपके लिए फला गुड क्या है। जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दी वो बड़ी कॉमन एग्जाम्पल्स थी, लेकिन अगर एक डॉक्टर ने किसी का माइंड बना दिया है कि यार सब्जियां खाओ, गोश्त खाना नहीं है तुमने, तो फिर उसके लिए सब्जी का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, उसकी सोच मुख्तलिफ हो जाएगी, उसकी सोच, उसका बिहेवियर क्या कर देगी, चेंज कर देगी, ठीक है ना। तो ये बड़ी जरूरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खैर, तो इसका मतलब यानी इंफीरियर और नॉर्मल पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या पॉइंट है, आईसीसी ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम इंफीरियर गुड। आईसीसी हमेशा मुंह फेर लेगा, अपना चेहरे का रुख तब्दील कर लेगा, किससे, इंफीरियर गुड्स से, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल गुड्स, और अपना चेहरा झुका लेगा किस तरफ, नॉर्मल गुड की तरफ। डायग्राम में देख सकते हैं, इनकम बड़ी ठीक है, इनकम बढ़ गई, वायरल पता नहीं क्या उसमें प्रॉब्लम हो गया, इनकम बढ़ गई, ये क्या हो गया, यानी इनकम बढ़ी तो ये आईसीसी बैंड हो गया नॉर्मल गुड की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, और इसने अपना चेहरा जो है वो फेर लिया किससे, नॉर्मल इंफीरियर गुड से। तो पहले इंफीरियर गुड की तरफ झुकाव ज्यादा था, लेकिन जैसे इनकम बढ़ी तो झुकाव कहाँ चला गया, नॉर्मल गुड की तरफ। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। क्या ख्याल है बताइए, ऐसा ही है? क्या कहेंगे, बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो ये बड़ी सिंपल बातें मैंने आपके सामने की हैं। आप इसके डायग्राम को दोबारा प्रोड्यूस कीजिएगा, एक्स एक्सिस पे रखिएगा इन्फीरियर गुड, वाई पे रखिएगा नॉर्मल गुड, और वो डायग्राम मुझे सेंड कीजिएगा ग्रुप पर, तो मैं देखूंगा जनाब कि आपने सही डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया।
यहां तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लें बेटा, मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, तो यहां तक इसको स्टॉप करेंगे, किताब से पढ़ते रहें। अब मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ इससे आपको किताब समझ में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला ये सबसे मुश्किल लिखा हुआ टॉपिक है किताब के अंदर, या किताब या कोई भी इकोनॉमिक्स की किताब हो, ये टॉपिक इंतहाई जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, इंतहाई थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है जी, बहरहाल तो कोशिश की है कि इसकी एग्जाम्पल्स भी आपको आपकी लाइफ से गिर से मिल जाए और आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, बेसिकली मकसद पता लग जाए कि भाई ये पढ़कर हमें हासिल क्या हो रहा है, वरना आमतौर पर वहां समझ नहीं आ रहा था कि भाई पढ़ के हासिल क्या हो पा रहा है। बहरहाल तो कोशिश की आपके सामने। ओके बेटा, स्टॉप करेंगे इसको यहाँ तक और बाकी इंशाल्लाह बात करेंगे अगली क्लास। वो देख दिखा नहीं पाओगे ना, अगर आप दोनों को इन्फीरियर रखोगे तो फिर आपका डायग्राम बजायर लगेगा पॉजिटिव वाला, तो आप ये समझ नहीं पाओगे किसके मतलब इनकम बढ़ने पे इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज आ रहा है, मतलब वो नीचे शिफ्ट हो रहा होगा तो क्वांटिटी कम हो रही होगी, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा इलस्ट्रेट करना। तो बेहतर है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाने के लिए एक को नॉर्मल रखो और एक को इन्फीरियर रखो। अगर आपको पॉजिटिव इनकम इफेक्ट दिखाना है दोनों को नॉर्मल रखो, और अगर आपको नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाना है तो आप क्या करो, एक को नॉर्मल रखो और एक को इन्फीरियर, ताकि एक का इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो दूसरे का नेगेटिव हो, ताकि दोनों का फर्क किया जा सके। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।